काटू माई मंदिर किशनपुरा जालंधर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्वामी अमिता भारती जी महाराज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर भाग लिया। ये शोभा यात्रा इलाके की परिक्रमा कर वापस मंदिर प्रांगण में आकर संपन्न हुई। भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर और लंगर लगाकर इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद बालकिशन बाली, गगन बाली, परमजीत जुलका, संतोष रानी, तोशी, मीनाक्षी शर्मा, मधु जुलका, सुमन शर्मा, मीना, रीटा, राजरानी, ममता सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। इसीलिए भारत भूमि में जन्म लिया है कुमार, तुम तो धन्य हो जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सर सरक कर खड़े हुए हैं। हम खेले कूदे हर युद्ध जिसकी प्यारी गोद में, ए मातृभूमि तुझको निरख मगन क्यों ना हो मोद में। बोलो भारत माता की। इसलिए आप भाग्यशाली हो जिनको भारत की भूमि पर जन्म मिला है। यहाँ पर प्रयागराज में यज्ञ हो रहा था, सूर्य महाराज से सनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज हमको बताइए ना भारत भूमि की महिमा क्या है और यहाँ पर अवतार कितने हुए हैं। तो यहाँ पर सनक आदि ने नारद जी से पूछा कि नारद जी आप तो संत हो। मोहल्ला किशनपुरा, प्रेम देवी किशन मंदिर और काटो माई मंदिर दोपहरे 3 बजे तो लैके 7 बजे तक रोज गुरु महाराज आए हुए हैं। हरिद्वार तो स्वामी अमिता भारती जी महाराज आए हैं, वो अपनी कथा के नाल जिथे लोगों को निहाल करेंगे, उसे लोगों को परमात्मा के चरणों के नाल जोड़नगे। भी ये हरिद्वार तो आए हैं और काफ़ी साल बाद इतने आए हैं, पहले भी काफ़ी समा पहले आए थे और इन्होंने जवान के बच्चे इन्ना रस आ कि जोड़ा लोग भी इतने आते हैं वो अज पहला दिन होने बाद जिदा कलश यात्रा भी निकली इन्हों लैके गुरु महाराज के सारे एरिए चरण भी पाए गए हैं। तो अज बड़ा ये इलाका पवित्र हो गया, भागा वाला आया जिथे गुरु महाराज के चरण पे आ सारे लोगों जिथे तक देखते हो सुनते हो उन्होंने प्रार्थना आ कि एडे वड्डी महान हस्ती साढ़े को आई है, उन्होंने प्रवचन सुन के अपना जीवन सफल करिए।